गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अनवेट अकराल ब्लॉग्स। गाइस आज हम आपको एक बहुत ही मार्मिक, बहुत ही रुला देने वाली एक छोटी सी कहानी बताएंगे। एक बार एक छोटी सी बच्ची अपने हाथ में गुल्लक लिए एक केमिस्ट की दुकान पर तेजी से भागी हुई आती है और बोलती है कि मुझे चमत्कार चाहिए। वहां पर दुकान पे काफी भीड़ होती है तो दुकानदार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी। दुकानदार अपने दूसरे कस्टमर से बिजी होता है। बच्ची बार बार कहती रहती है कि मुझे चमत्कार चाहिए, लेकिन दुकानदार का या अन्य वहां मौजूद लोगों का ध्यान उस बच्ची पे नहीं जाता। बच्ची अंत में गुस्से हो जाती है और अपनी गुल्लक को दुकानदार की टेबल पे, उसके काउंटर पे जोर से पटकती है तो दुकानदार का ध्यान उस बच्ची की तरफ जाता है। दुकानदार उस बच्ची की तरफ देखता है और बच्ची से पूछता है, बेटा आपको क्या चाहिए? तो बच्ची बोलती है कि अंकल मुझे चमत्कार चाहिए। तो वो दुकानदार बोलता है कि बेटा यहाँ तो कोई चमत्कार नहीं मिलता। बच्ची की वह बात सुनकर दुकान में मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है और देखता रह जाता है कि बच्ची आखिर बोल क्या रही है। एक आदमी जो कि वहां दुकान में मौजूद थे, उन्होंने उस बच्ची से पूछा कि बेटा आपको क्या चाहिए? तो बच्ची बोलती है कि अंकल मुझे चमत्कार चाहिए। तो वो आदमी पूछते हैं कि बेटा आपको चमत्कार क्यों चाहिए? तो बच्ची बोलती है कि मेरा एक दूसरा भाई है जो कि बहुत दिनों से घर पर नहीं है। कुछ दिन पहले वो बीमार हुआ था। तो आदमी से पूछते हैं तो उसके बाद क्या हुआ? तो बच्ची बोलती है कि कुछ दिन पहले जब वो बीमार हुआ तो मेरे माता पिता उसको हॉस्पिटल लेकर गए और उसके बाद से वापस नहीं आया है। तो मैं उनसे डेली पूछती हूँ कि भाई कहाँ है, तो डेली कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। तो आज मैंने सुबह उन मम्मी पापा को बात करते हुए सुना कि मैंने जितना पैसा सेविंग में रखा था सारा बच्चे के इलाज में लगा चुका हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है उसके इलाज में लगाने के लिए। अब तो कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। तो बच्ची बोलती है वही चमत्कार लेने मैं यहाँ आई हूँ। तो वो सज्जन पुरुष उससे पूछते हैं कि बेटी चमत्कार के लिए आप बोल रहे हो कि आपके पास पैसे हैं, तो कितने पैसे हैं? तो बोलती है मेरे पास बहुत पैसे हैं क्योंकि मेरे माता पिता के पैसे शायद खत्म हो गए हैं, तो मेरे पास बहुत से पैसे हैं, तो वो सारे पैसे मैं दे दूंगी और मुझे वो चमत्कार दे दो जिससे मेरा भाई वापस आ सके। तो वो पुरुष उससे पूछते हैं कि बेटा आपके पास कितने पैसे हैं? तो बच्ची अपनी गुल्लक को जमीन पे पटकती है, उसके अंदर बहुत से सिक्के निकलते हैं। तो जब उन सिक्कों को गिना जाता है तो वो 25 रुपए होते हैं। तो बच्ची हाथ में वो सिक्के इकट्ठे करके उन पुरुष को बोलती है कि अंकल ये लीजिए बहुत सारे पैसे हैं और मुझे चमत्कार दे दीजिए। तो वो आदमी बोलते हैं कि बेटा आपके भाई के इलाज के लिए जो चमत्कार आपको चाहिए उसके लिए जितने पैसे लगने हैं ये तो बहुत सारे पैसे हैं, इतने पैसे में चमत्कार आ जाएगा? एक्चुअल में वो जो इंसान थे वो कोई साधारण इंसान नहीं, वो एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे। वो उस शॉप पे कुछ काम से आए थे। तो उन्होंने उस बच्ची को बोला कि मैं आपके माता पिता से मिलना चाहता हूँ। तो बच्ची उनको अपने घर पर लेकर गई, उन्होंने उनकी सारी जो उसकी मेडिकल हिस्ट्री बच्चे की बताई, उनको फाइल दी। उसके बाद उन सज्जन पुरुष ने उस बच्चे का फ्री में ऑपरेशन किया, फ्री में इलाज किया और कुछ दिन बाद बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर पर लौट आया। उसके बाद वो दोनों भाई बहन आपस में बड़े अच्छे से खेलते, माँ बाप सब बड़े खुशी से रहने लगे। तो एक दिन उस बच्ची की मदर ने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपने ये चमत्कार कैसे लाया? तो वो उस बच्ची के पिता ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा कि वो चमत्कार मैंने नहीं, इसने लाया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि इंसान छोटी बड़ी हर तरह की मुश्किलों में हिम्मत हार जाता है, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही है ना, बच्चों को तो हिम्मत हारना आता ही नहीं है। उन्हें कुछ नहीं मालूम कि हिम्मत कैसे हारनी, क्या करना है। उनकी जिद है,
और जिद के आगे बच्चों की जो जिद होती है उसके आगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है, और वही हुआ। भगवान के रूप में वो इंसान वहां आए, उन्होंने उस बच्ची के भाई का इलाज किया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से एक चीज और सीखने को मिलती है कि अपना विश्वास मजबूत रखो, भगवान जरूर आएंगे, आपकी मदद जरूर करेंगे। इस वीडियो को करते हम यहीं पर एंड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू।